मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये परसेंटेज की 15वीं क्लास है और आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन की बात आज की जाएगी, आज की पूरी क्लास में किस तरीके के कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना होगा और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपका वन बाय वन आते जाएंगे उसके लिए क्या सोच होनी चाहिए, किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को सोचें जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंदी ना हो, और अगर आपका लेंदी बनता है तो उस केस में आपका कौन सा मेथड बेहतर होगा। तो हम लोग यहां पर लेकर के चलेंगे दोनों मेथड, एक जो बचपन से सीखते आए हैं कि अगर इनकम की बात की जाए तो टोटल इनकम हम क्या मान लेते थे कि एक्स है और फिर आप कैलकुलेट करते थे, लेकिन जब एक्स मानते थे तो मानने के बाद का जो प्रोसेस है उसको पूरा कैलकुलेट करने की जगह डायरेक्टली हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट यूज कैसे करेंगे जिससे आसान हो जाए क्वेश्चन, तो आज की क्लास में यही डिस्कस होने वाला है। और आपका जो दूसरा मेथड आज की क्लास में सीखेंगे वो 100 पर बेस आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 100 पर बेस क्वेश्चन सॉल्व होता जाता है आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट ईयर के, तो अधिकतर मैं कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे जिसमें अगर आउट ऑफ 100 के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर निकल आता है। तो दोनों मेथड को लेकर के चलेंगे, एक एक्स मान करके टोटल इनकम, दूसरा टोटल इनकम आपका 100 मान करके। तो चलिए पहला स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हम लोग क्वेश्चन वाइज बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा, और आज की क्लास में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन में हो सकता है कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाए आपको जहां पर आपको डायरेक्टली सैलरी की बात ना की जाए, कुछ अलग तरीके से बात की जाए, तो वहां पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट आपका जो होगा वो यही यूज होगा, तो आज की पूरी क्लास इसी पर बेस है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, हिमेश स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड ऑफ द रिमेनिंग 20% ऑन फूड, 15% ऑन क्लॉथ्स, 25% on education and after that his saving is ₹31,200, then find his income। हिंदी में मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में हिंदी में मतलब अगर समझे इस क्वेश्चन का तो इसका मतलब है कि हिमेश अपनी आय का 35% घर के किराए पर खर्च करता है और बचे हुए का 20% खाने पर, 15% कपड़े पर, 25% शिक्षा पर, और इसके बाद उसकी बचत ₹31,200 है, तो बताइए उसकी आय कितनी थी, तो बताइए उसकी आय कितनी थी। तो आप देखिए, एक तो तरीका है कि 100 के अकॉर्डिंग सोचा जाए, 100 के अनुसार सोच करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी से हो जाता है, और दूसरा तरीका आपका होता है क्या, तो दूसरा तरीका होता है टोटल इनकम को आप यहां पर एक्स मान करके भी कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा कि जो आपका परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, तो जो अब तक सीखते आए हैं 100 के अकॉर्डिंग करने का तरीका पहले उसी को अप्लाई करेंगे। तो 100 के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं ना तो टोटल इनकम 100 मानेंगे, 100 मानने से बेहतर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जब आप देखेंगे क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई है परसेंटेज टर्म्स में सारी की सारी वैल्यू इंटीजर में दी गई है, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर क्वेश्चन को लिखें टोटल इनकम 100 है, टोटल इनकम 100 अगर हम मानते तो देखिए पहला खर्चा उसका कहां पर था, तो बोला गया कि उसने अपनी इनकम का 35% खर्च किया हाउस रेंट पर। जैसे ही बोला गया कि 35% खर्च किया हाउस रेंट पर, जिसे एचआर से मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, तो हाउस रेंट पर अगर 100 का 35% खर्च किया तो बताइए कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं कि 100 का 35% कैलकुलेट करने पर आएगा 35, तो हाउस रेंट पर अगर उसने 35 खर्च कर दिया तो बचा कितना हाउस रेंट देने के बाद, तो उसके पास बचा था 65। अगर हाउस रेंट पर उसने खर्च किया 35% टोटल इनकम 100 मानते हैं तो 100 का 35% 35 आया, जो कि हाउस रेंट पर चला गया, अब बचा उसके पास 65। मैंने यहां परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है, तो मैं आपको यह कह रहा हूं मान लो कि ये जो इसकी इनकम थी 100 यूनिट थी। अब यूनिट क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग माने हैं, फिर एक्चुअल वैल्यू से रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहले इसको, टोटल 100 उसका इनकम था, उसमें से
35% उसने हाउस रेंट दे दिया, मतलब 100 का 35% 35 हाउस रेंट चला गया, तो बचा कितना उसके पास 65। अब इसके बाद क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ो बहुत ध्यान से। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मेन यही ध्यान देना होता है कि वो जो खर्च कर रहा है परसेंटेज टर्म्स में बताया जा रहा है वो किस वैल्यू का खर्च कर रहा है बचे हुए का, तो कौन सा अमाउंट जो बचा हुआ था उस पर कैलकुलेट किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बोला गया है कि एंड ऑफ द रिमेनिंग 20% ऑन फूड, 15% ऑन क्लॉथ एंड 25% ऑन एजुकेशन। तो ये 20%, 15% एंड 25% तीनों वैल्यू बचे हुए पे कैलकुलेट हो रहा है। किस पर कैलकुलेट हो रहा है? 65 पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि और बचे हुए का 20% खाने पर, और बचे हुए का 20% खाने पर चला गया, 20% खाने पर चला गया, इसका 20% खाने पर चला गया। फिर बोला गया कि 15% कपड़े पर गया, इसी का 15% कपड़े पर भी चला गया, जो कि आपको यह नहीं बोला गया कि उसके बाद बचे हुए का, आपको सीधा बोला गया कि बचे हुए का 20% खाने पर गया, 15% क्लॉथ पे गया, और आपको और भी बोला गया कि 25% एजुकेशन पर गया। यह आपको डायरेक्टली दिया गया है कि जो बचा था, जो भी अमाउंट बचा था हाउस रेंट देने के बाद, उस बचे हुए का 20% खाने पे गया, 15% कपड़े पे गया, और एजुकेशन पर गया 25%। ये आपको डायरेक्टली दिया गया है, आपको जो बचा था 65 उसी पर ये तीनों कैलकुलेट करना है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बोला गया है सिर्फ सीधा सीधा बोला जा रहा है कि जो बचा हुआ अमाउंट था ऑफ द रिमेनिंग 20% ऑन फूड, 15% ऑन क्लॉथ, 25% ऑन एजुकेशन, मतलब जो 65 था उसका 20% खाने पर गया, उसी का 15% कपड़े पर गया, उसी का 25% एजुकेशन पे गया है। आपको ये नहीं बोला गया कि बचे हुए का या बचे हुए का, तो पहले ही बोला गया कि जो बचा था उसका 20% खाने पर, 15% कपड़े पर और 25% एजुकेशन पर गया। तो ये तीनों परसेंटेज कैलकुलेट किस पर होंगे? 65 पे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि अगर इन तीनों को कैलकुलेट करें, या फिर आप ऐसे बता भी सकते हैं, थोड़ा सा अगर अलग हट करके सोचें, तो आप बताओ इस वैल्यू का 20%, इस वैल्यू का 15%, इस वैल्यू का 20%, इस वैल्यू का ही, इसी वैल्यू का 15% और इसी वैल्यू का 25% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो बताइए कुल कितना कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि 20% इस वैल्यू का, फिर 15% सेम वैल्यू का, फिर 25% सेम वैल्यू का, तीनों परसेंटेज का बेस सेम है, तो डायरेक्टली ऐड करके इस वैल्यू का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कितना आया, 25 और 15 40 और 20 60%, यानी इस वैल्यू का 60% खर्च हो गया, इस वैल्यू का 60% इन तीनों पर खर्च हो गया। तो बचा कितना, तो आप कह सकते हैं इस वैल्यू का अब आपको बचा कितना है, तो आप कह सकते हैं 40% बचा हुआ है। तो इस वैल्यू का जो 40% बचा हुआ है, तो देखिए कैलकुलेट करेंगे इसका 40%, तो 40% निकालेंगे ना, तो आपको पता है कि 60 का 40% निकालेंगे, तो 40% को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 भी लिख सकते हैं, आप जैसे भी कैलकुलेट करें। मेरे को कैलकुलेट करना होता तो मैं कहता 10% कितना होगा, तो मैं कहता 6.5 होगा 10%, एक प्लस पॉइंट लगाते 10% 6.5 होगा, तो 40% इसका 4 गुना, तो कितना आता, तो मैं कहता 26 आ गया। तो आप बताइए कि टोटल अगर 100 इनकम मानते हैं, तो ये सारा खर्चा निकालने के बाद बचा कितना, 26 यूनिट बचा है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो क्वेश्चन में दिया गया कि कुल खर्चा निकालने के बाद 31,200 रुपए बचा था। तो आपके मानने के अकॉर्डिंग 100 यूनिट आपका जो बचा अमाउंट है सारे खर्चा निकालने के बाद, वो 26 यूनिट बचा है, लेकिन एक्चुअल में जो अमाउंट दिया गया है, अमाउंट के रूप में दिया गया, वो बताया गया है कि 31,200 रुपए बचा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा माना हुआ जो 26 बच रहा है, वो एक्चुअल में 31,200 रुपए के बराबर है। तो 1:1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कह सकते हैं 31,200 / 26, और अगर आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड जो भी आपका आ रहा होगा, मैं डिवाइड ही कर लेता हूं, 13 से डिवाइड करें, तो 13 से अगर आप डिवाइड करें तो 2 बार जाता है, 13 से 2 बार आपका 2600, यानी 1200 रुपए आ गया। तो 1:1 की वैल्यू 1200 रुपए आ गई, और आपको पता क्या करना था, देन फाइंड हिज इनकम, उसकी इनकम बताइए। तो आपने माना 100 यूनिट है, अगर आपने 100 यूनिट इनकम माना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, जबकि आप निकाल चुके हैं
कि एक यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए है, और अगर एक यूनिट की वैल्यू 1200 रुपए है तो 100 यूनिट की वैल्यू होगी 100 × 1200 इज इक्वल टू 1,20,000 रुपए। तो मतलब आप कह सकते हैं कि हिमेश की टोटल इनकम 1,20,000 रुपए थी, 1,20,000 रुपए थी। अगर इसको इस रेशियो के मेथड के स्थान अनुसार करें, जो कि फॉर्मूला ही होता है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग करें तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। देखो आप, आपको देखना क्या है कि पहले तो उसने कितना परसेंट खर्च किया था, 35%। 35% अगर उसने खर्च किया तो आप देखते जाइए 35% को आप क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि 35% को लिखा जाता है, 35% को क्या लिखते हैं, तो 35% लिखा जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा सीखा होगा तो आपको पता है 7/20 लिखा जाता है। देखिए आपका बचा बोला गया कि टोटल का 35% खर्च किया हाउस रेंट पर, 35% खर्च किया मतलब 35 यहां आ रहा था, तो आप लिख सकते हैं 7/20। उसके बाद आप देखिए कि जो बचा था उस बचे हुए का 20, 15 और 25, यानी 20, 15 और 25 कितना हुआ, तो आप कहेंगे 60%। 60% बचे हुए का खर्च किया, तो 60% ऑफ रिमेनिंग, ऑफ द रिमेनिंग दैट विल बी 3/5 और खर्च किया। जब आपका ये खर्चा हो गया उसके बाद बचा हुआ अमाउंट दिया गया, तो आप अगर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचे तो पूरा फॉर्मूले को लिखने की जगह बस आप ऐसे सोचो ना कि आपका टोटल इनकम अगर एक्स रुपए है, टोटल इनकम एक्स रुपए है, उसका अगर उसने 35% खर्च किया 7/20, आपको मैं बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि 7/20 खर्च करने का मतलब 20 से 7 निकल गया, 20 से 7 खर्च हो गया, तो बचा कितना, क्योंकि आपका खर्चा है माइनस होगा, तो 20 से 7 निकल गया तो बचा कितना, 13, 20 में 13 बचा मतलब 13/20 बचा। अब आपका क्वेश्चन जो है ना, अगर बोला जाता रिमेनिंग तभी आप ये कंसेप्ट यूज करते हैं, तो अब अगर आप 13/20 बचा बोला गया उसके बाद कि अब बचे हुए का 35% निकाल दिया, तो बचे हुए का कितना और खर्च किया टोटल मिला के हटा देते हैं एक ही बार, तो आप कहेंगे कि 60% मतलब 3/5। अगर 3/5 फिर से बचे हुए का खर्च हो गया, तो बताइए जब बचा हुआ 5 रहा होगा तो 3 खर्च हो गया, तो बचा कितना अब, तो आप कहेंगे कि 5 में से 3 और निकल गया, तो 2/5 भाग बचा, जो बचा था उसका 2/5 भाग बचा, और ये बचा हुआ अमाउंट, अब क्योंकि इसके बाद खर्चे की नहीं बात की गई, अब बोला गया कि बचा क्या था, तो वो आपका 31,200। तो आपने भी तो रिमेनिंग अमाउंट मतलब आपका क्या है कि खर्चा निकालने के बाद जो बच रहा है वही तो आप कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। पहले खर्च किया 7/20, तो बचा कितना, एक्स अगर टोटल इनकम थी तो उसका 13/20, कैसे 20 से 7 गया तो 13 बचा 20 में, तो 13/20, और जो बचा था 13/20 कैलकुलेट करने पर आएगा उसका 3/5 फिर खर्च हो गया, तो बचा कितना, 5 से 3 निकल गया तो 2 बचा, यानी 2/5। तो अब आपका जो बचा है इसके बाद वो आपको दिया गया है 31,200 रुपए, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे। अब आप इससे अगर x की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, निभाएंगे क्योंकि मैंने कैलकुलेट करके निकाल दिया है, तो यहां से भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि 13 × 2 = 26 से डिवाइड करना है और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर जो भी आपका आ रहा था x की वैल्यू आएगा, मतलब टोटल इनकम आएगा, और टोटल इनकम कितना आएगा, 1,20,000 रुपए। आप कैलकुलेट करके देखना, यही आपका आंसर होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 1,20,000। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, जहां पर जो सही लगे वही सोचना है आपको, लेकिन चांसेज अधिकतर होते हैं कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो 100 के अकॉर्डिंग सोचने पर सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी मैं पढ़ूंगा जरूर, ताकि आप जब तक मैं पढ़ता हूं तब तक सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और आंसर निकालते हैं, और उम्मीद करता हूं कि तब तक आपका आंसर निकल भी जाता है कुछ लोगों का, जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, मुकेश स्पेंट 25% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 15% ऑन जर्नी, 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड 16.67% ऑन क्लॉथ्स, एंड नाउ हिज सेविंग इज रुपीज 23,200 after all these expenditure, find his income. After all these expenditure, find his income. अच्छा, जो मैंने ये बताया था ना, थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोच सकते थे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। मुकेश अपनी आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है और 15% यात्रा पर खर्च करता है, बचे हुए का 35% खाने पर खर्च करता है और 16.67% कपड़े पर खर्च करता है, और अब उसकी बचत 23,200 रुपए है, तो बताओ उसकी आय कितनी थी, तो बताओ उसकी आय कितनी थी। तो देखो आप क्वेश्चन को 100 के अकॉर्डिंग पहले करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है।
फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको यह फॉर्मूले को भी हटा करके सोचना हो तो कैसे सोचा जा सकता है। लेकिन आपको मैं बार बार यही कहूंगा कि मेन आपका जो रेशियो बनाते हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में था 7/20, 20 से 7 गया तो 13 बचा, 3/5 खर्चा हुआ, 5 से 3 गया तो 2 बचा, फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉजिक आपका यही होता है। तो अगर आप इसको समझते हैं ना तो ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये बाद में बात की जाएगी जब मैं अगर अलग से बताऊंगा इसके बारे में डिस्कस करूंगा तो आपको फिर से बता दूंगा ये, क्योंकि डिस्कस हो चुका है पहले ही। जब भी एक के ऊपर एक कैलकुलेट करने की बात की जाती है, सक्सेसिव पार्ट होता है तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन मैं यहां पर बस इसलिए कर रहा हूं इस तरीके से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है आपका, मुकेश अपनी आय का 25% खर्च करता है घर के किराए पर और 15% यात्रा पर खर्च करता है। अच्छा, उसमें यह नहीं बोला गया कि 25% घर के किराए पर खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा था उसका 15% खर्च कर रहा है वो यात्रा पर, ऐसा नहीं बोला गया है। डायरेक्टली बोला गया है कि जो भी उसकी इनकम थी उस इनकम का 25% वो कहां खर्च करता है, तो बोला गया हाउस रेंट पर खर्च करता है और 15% खर्च करता है, और 15% खर्च करता है जर्नी पर। यह आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला गया है कि जो भी उसका इनकम है उसका 15% खर्च करता है, सॉरी 25% खर्च करता है हाउस रेंट पर और 15% जर्नी पर खर्च करता है, तो दोनों वैल्यू किस पर कैलकुलेट होगी, 100 पर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 100 से 25 माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका 15% निकालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको यह दिया गया है कि वो अपनी इनकम का 25% घर के किराए पर खर्च करता है और 15% खर्च करता है जर्नी पर, रिमेनिंग की बात ही नहीं की गई। तो दोनों की कैलकुलेशन 100 पे होगी और 100 से अगर 25% 100 का निकालेंगे तो आपको पता ही है कि ये 25 आएगा और 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा। तो बताइए इन दोनों को अगर हटा दें, दोनों को अगर हटाएं तो यहां दोनों मिला के कितना खर्च हो गया, तो आप कहेंगे कि दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर 40 खर्च हो गया तो बचा कितना था, तो आप कहेंगे कि सॉरी अगर दोनों मिलाकर के 40 खर्च हो गया तो बचा कितना था, तो आप कहेंगे कि 60 बचा था, 60 बचा था। उसके बाद बोला गया कि अब इसके बाद बोला गया ऑफ द रिमेनिंग, यहां से देखो आप थर्ड लाइन से 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, जो बचा था उसका 35% उसने खर्च किया कहां पर, 35% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, खाने पर खर्च किया, जो बचा था उसका 35% खाने पर खर्च किया और 16.67% दोनों तरीके से लिखते हैं, मैंने बस आपका पॉइंट वाला केस लिखा है 16.2/3% दोनों तरीके से लिखते हैं। तो आपको बोला गया कि जो बचा था उसका 35% खाने पर खर्च किया और 16.2/3% उसने खर्च किया कहां पर, तो वो बोला गया कि कपड़े पे खर्च किया है। तो आपको मेन पॉइंट यहां ध्यान ये रखना है कि जो 35% कैलकुलेट हो रहा था वो तो आपको पता चल गया कि बचा था 60 का 35% खाने पर खर्च किया और उसके बाद बोला गया कि 16.67% ऑन क्लॉथ। तो ये दोनों की कैलकुलेशन जो आपकी आ रही है 16.67% को क्या लिखते हैं आपको पता है 1/6। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है आपको, परसेंटेज की जो कैलकुलेशन करनी है ना वो किस पर करनी है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। तो ये कहा गया कि जो बचा था उसका 35% खर्च किया उसने खाने पर और 16.67% कपड़े पर। तो आपका 35% और 16.67% दोनों की कैलकुलेशन किस पर करनी है, जो बचा हुआ था यानी 60 पर करनी है। तो बताइए कि 60 का 35% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 का 35% आएगा 21। कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी अच्छी करिए क्योंकि अब तक पढ़ते आए हैं तो कुछ ना कुछ अपनी कैलकुलेशन को अच्छी करते रहे होंगे और करेंगे, उम्मीद भी करता हूं। नहीं अगर आपका आता है तो 60 का 35% ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहेंगे कि 60 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 6 होगा, तो 30% कितना होगा, तो कहेंगे 18 होगा, और अगर 10% 6 है तो 5% कितना होगा, तो 18 30% हो गया, तो 5% कितना होगा, 3, तो 21 ही आएगा। ये आपकी सोच है कि कितना अच्छे तरीके से आप सोच पाते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी परसेंटेज टर्म्स की जो वैल्यू होती है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है, तो वो प्रैक्टिस करने से ही बेहतर तरीके से समझ में आता है। और मैंने आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कराया भी था तो आपको पता होगा
इसका 35% 21 खाने पर किया गया और इसी का जो कपड़े पर खर्च हुआ 16.67% जो कि 1/6 होता है, तो आप देखिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 10। अब बताइए कि यहां पर 21 और 10 कितना खर्च हो गया, अगर इन दोनों को मिला करके देखें तो 21 और 10 और खर्च हो गया, मतलब 31 खर्च हो गया और 31 खर्च हो गया, टोटल 31 इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे कि 29 बचेगा, 29 बचा। और आपको बचा कितना बताया गया है कि बचाया कितना है खर्चे के बाद 23,200। आपके मानने के अकॉर्डिंग, जो मैंने 100 माना है, हम लोगों के 100 मानने के अकॉर्डिंग बचत आ रही है 29, और जबकि बचत दी कितनी गई है, तो हमें दी गई है बचत कितनी, तो वो दी गई है 23,200 रुपए, 23,200 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो आ रहा है 29 यूनिट बचत आ रही है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23,200 रुपए बचत है, तो हम कह सकते हैं कि 29 यूनिट हमारा माना हुआ 23,200 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 23,200 डिवाइडेड बाई 29, और डिवाइड करेंगे 29 से तो कितनी बार जाएगा, तो शायद अगर डिवाइड करेंगे तो 29 इंटू 8 अगर आप करके देखो तो कितना आता है, अगर 18 करते हैं तो देख सकते हैं, सॉरी 18 तो नहीं होगा, 29 इंटू 8 करें तो आपका आता है 240, ठीक है 8 टाइम्स जा रहा है, शायद 800 आएगा, देख लेना मैं करके देख लेता हूं, 2, 7, 16, 23, ठीक है, तो ये आपका 800 आ गया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 800 रुपए आ गया। अगर एक रेशियो की वैल्यू 800 रुपए आ गई, एक रेशियो की वैल्यू अगर 800 रुपए आ गई और आपसे बोला जा रहा कि फाइंड हिज इनकम, उसकी इनकम कितना है, तो इनकम तो आपने यहां पर पता ही है कि क्या माना है 100 यूनिट, तो अगर एक रेशियो अगर 800 रुपए तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 इंटू 800 इज इक्वल टू 80,000 रुपए, 80,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो तरीका यह था कि इस तरीके से आप सोचेंगे 100 मानने के अकॉर्डिंग, बाकी जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं, जैसे थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो देखो आपको क्या है, दूसरा तरीका में रेशियो अगर लिखना होता तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है, रेशियो के अकॉर्डिंग डायरेक्टली क्या करेंगे, तो डायरेक्टली आपको करना बस ये होगा कि आपको रेशियो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर 25 और 15 40%, तो 40% को 2/5, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा आराम से ही बताएं तो अच्छा रहेगा। तो आप पहले तो ये देखो कि पहले खर्च किया था कितना, तो पहले खर्च किया था 25% और 15%, मतलब टोटल का 40%, पहला खर्चा है टोटल का 40%, और टोटल का 40% कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 2/5, इसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं, तो आप कहेंगे 2/5 खर्च हुआ था। अब आप देखिए कि उसके बाद बचे हुए का कितना खर्च हुआ था, तो बचे हुए का 35% और आपका ये 1/6 वाला पार्ट है, तो 35% तो ठीक था, लेकिन ये 1/6 जो आप लिख रहे हैं ना, वो आपका जो कि लिखा जाता है 16 2/3%, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 3 = 48 + 2 = 50/3%। अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो टोटल खर्चा कितना हुआ, तो बोला जाएगा कि 50 जो बचा था उसका 35% प्लस ये वाला पार्ट मैंने इसी तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मिक्स फ्रैक्शन से हटा करके, तो ये देखेंगे तो आपका कितना रहा, 155/3%। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 155/3% और खर्च हुआ है, तो 155/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, तो अगर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है, और अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा इसका तो नीचे 100 आएगा, तो आप देख सकते हैं 5 से 31 बार गया, और 5 से डिवाइड करें तो 60 बार गया, तो आप लिख सकते हैं 31/60। तो अब आप देखिए क्वेश्चन, इसके बाद जो बचा था अमाउंट उसके बारे में बात की गई है, तो आप अगर आप देखो इसको कैलकुलेट करके, तो आप यही तो कहोगे कि आप देखिए कि टोटल इनकम एक्स था, उसमें से उसने कितना खर्च किया था शुरू में, आपका टोटल का पहले 40% ये दोनों मिला के खर्च किया था, मतलब 2/5, अगर 2/5 खर्च कर दिया, मतलब 5 से 2 खर्च कर दिया, तो 5 में कितना बचाया, तो आप कहेंगे कि 3/5 भाग बचाया, 2/5 भाग खर्च हो गया, मतलब 5 भाग में से 2 भाग खर्च हो गया, तो बचा कितना 3 part, यानी 3/5। अब ये बचा हुआ था वो बोला गया कि जो बचा हुआ था 3/5 part जो कि 60% था, तो ये जो बचा हुआ था उसका इतना और खर्च किया है जो कितना रहा 31/60, तो बचे हुए का अगर 31/60 खर्च कर दिया, मतलब 60 से 31 निकल गया, तो बचा कितना, तो आप लिख सकते हैं 29/60 बचा, और ये बचा इस खर्चे के बाद क्या था, वो आपको दिया गया 23,200 रुपए,
तो आप इसको 23,200 रुपए के बराबर लिख देंगे। और उसके बाद अगर x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, मैं अगर आप देखें कि यहां कैलकुलेट करके दिखाया हूं तो आंसर तो वही आएगा, तो आप अगर यहां कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, ऐसे भी देख सकते हैं, ये 20 बार गया यानी 100 हो गया, 29 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई किया है, 29 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका कितना आएगा, तो आपको पता है कि आपका आंसर आने वाला है 80,000 रुपए। कैलकुलेट करके देखना, आंसर 80,000 रुपए ही आएगा, क्योंकि अभी आपने कैलकुलेट किया सामने, तो फिर दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 800, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80,000। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलेंगे और समझते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझे, कोई क्वेश्चन में टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। 5 क्वेश्चन आज की क्लास में केवल करेंगे, क्योंकि उसके बाद ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो 5 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, इसके बाद 5 क्वेश्चन और इस पर, इस कंसेप्ट पर करेंगे, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 20% ऑफ द वायर हैज स्टोलन एंड 12.5% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट, इफ 420 मीटर वायर इज स्टिल लेफ्ट देन फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। बोला गया कि कहीं पर जो वायर था, इलेक्ट्रिक वायर था, बिजली का तार था, उस बिजली के तार का 20% भाग जो था चोरी हो गया, और उसके बाद जो बचा था उसका 12.5% भाग बेच दिया गया। पहले तो 20% भाग चोरी हो गया और जो बचा था उसका 12.5% भाग बेच दिया गया, और इसके बाद बचा था जो बिजली का तार, वो 420 मीटर बचा था। तो बताइए कि उस बिजली के तार की वास्तविक लंबाई कुल कितनी थी। तो वास्तविक लंबाई मतलब चोरी होने के और बेचने से पहले, मतलब शुरू में कितना लंबा था कि जिस वायर का 20% भाग चोरी हो गया और जो बचा उसका 12.5% बेच दिया गया, तब भी 420 मीटर लंबा तार बचा हुआ है। तो दोनों तरीके आपके हैं, दोनों तरीके से सोचेंगे। मैंने पहले ही कहा था आपको कि जरूरी नहीं कि सिर्फ सैलरी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे, बस आपको समझना है कि ये 100 और x के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जब आप खर्चा था तो निकालते जा रहे थे, यहां बेच दिया गया, चोरी हो गया, तो वो हटाते जाइए, जो बचेगा उसका लेंथ दिया गया है। तो सेम प्रोसेस अगर आप देखें कि वैसे ही कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन है, तो आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो यही तो करेंगे आप। क्या करेंगे कि टोटल लेंथ हमने क्या मान लिया, 100 यूनिट, वो मीटर में या जो भी है, लेकिन मैं 100 यूनिट मान रहा हूं। इसमें से सबसे पहले तो क्या हुआ, चोरी हो गया, स्टोलन चोरी हो गया। चोरी होने के बाद इसका कितना परसेंट चोरी हुआ, 20% चोरी हुआ, यानी अगर 100 यूनिट मानते तो 20% कितना आएगा, 20, यानी 20 चोरी हो गया, 20 यूनिट चोरी हो गया, बचा कितना, तो आप कहेंगे कि इसके बाद बचा था 80। जब आपका 20% चोरी हो गया तो बचा कितना, 80। फिर उसके बाद बोला गया कि जो बचा था उसका 12.5%, 12.5% तो आपको पता ही होगा कि 12.5% होता है 1/8, नहीं पता है तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा अपने आप। 12.5% उसके बाद बोला गया कि जो बचा था उसका 12.5% बेच दिया गया, तो इसका 12.5% बेचा गया, सोल्ड हुआ है, सोल्ड कितना हुआ है, तो इसका 12.5% मतलब 1/8, और 80 का 1/8 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10, और 10 अगर बिक गया तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 70 बचा। इसके बाद कुछ और भी हुआ है, नहीं हुआ है। अब बोला गया है कि जब उसने बेच भी दिया, जो बचा था उसका 12.5%, 12.5% बेच दिया, तो अब जो बचा हुआ है वो 420 मीटर है। क्वेश्चन में दिया गया 420 मीटर है, और हमारे मानने के अकॉर्डिंग कितना बचा था, तो 70 यूनिट, तो हम लिख सकते हैं 70 यूनिट इज इक्वल टू 420 मीटर। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हम कहेंगे कि 6 मीटर। 1 यूनिट अगर 6 मीटर आएगा तो बताइए टोटल लेंथ क्या माना है आपने, कि आपने माना है 100 यूनिट, और आपके मानने के अकॉर्डिंग 1 यूनिट जो है वो 6 मीटर के बराबर है, तो आपका माना हुआ 100 यूनिट कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 100 इंटू 6 इज इक्वल टू 600 मीटर। तो आपका जो टोटल लेंथ वायर का रहा होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो दी गई है कंडीशन, आंसर होगा कि 600 मीटर लंबा वायर था जिसका 20% भाग चोरी हो गया, और जो बचा था उसका 12.5% भाग बेच दिया गया, तब भी उसके पास 420 मीटर लंबा तार बचा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन अगला है, देखिए कि आपका क्वेश्चन है क्या।
थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सैलरी से क्वेश्चन हो, यह क्वेश्चन लैंग्वेज अलग अलग टर्म्स में यूज किया जाएगा, लेकिन कहानी घुमा करके वही आती है कि इतना यहां निकल गया, उतना वहां निकल गया, ये यहां निकल गया, जो जहां निकल गया, बट आपका जो बचा उसी की तो बात करेंगे, तो जो है उसी के बारे में बात ज्यादा आपको करनी है। कुल मिलाकर के जो जा रहा है उसे भगाओ, जो आपका पास है यहां पर उसको देखो, क्योंकि आपको दिया क्या गया है कि जो बचा हुआ है वो पार्ट। तो अब देखिए कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, मैं एक बार पढ़ूंगा, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे तो आपको टाइम मिलेगा, इसलिए मैं पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन है, इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 20% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश and 15% of the remaining are in French and rest 2380 books are in regional language. Then find the total number of books in the library. Question है कि किसी library में 50% किताबें हिंदी की हैं, 50% किताबें हिंदी में हैं, 20 बचे हुए का 20% अंग्रेजी में है, और उसके बाद बचे हुए का 15% फ्रेंच में है, और इसके बाद 2380 बुक और हैं जो कि अदर लैंग्वेज में हैं, तो बताइए कि टोटल किताबों की संख्या कितनी है वहां पर। तो आप ध्यान से समझे, तो क्वेश्चन को मैं जब बताऊंगा तो एक बार और रिवाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो आप कह सकते हैं पहले तो 100 और इस वाले क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को तो एक्स के अकॉर्डिंग नहीं बताया क्योंकि इनकम की बात नहीं की गई थी, तो इनकम हट जाएगा, यहां पर इनकम की बात नहीं की जा रही है। तो पिछले क्वेश्चन में अगर इनकम लिया हो तो वो देख लेना, क्योंकि इनकम नहीं रही होगी। अब देखिए कि टोटल बुक्स की संख्या हम बात करें, यहां पर टोटल बुक्स कितनी थी, तो हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि टोटल बुक्स थी, हम एक तो 100 के अकॉर्डिंग सोचते हैं और दूसरा टोटल बुक्स एक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो दोनों तरीका आपका बेहतर है, जो आपको सही तरीके से यूज करने पर अच्छा लगे, कम कैलकुलेशन कराए, वही तरीका आप बेहतर समझेंगे। तो आपको दोनों तरीके में बताते चल रहा हूं। तो देखिए कि आपको करना क्या है कि जो टोटल बुक्स थी उसका 50% किसमें थी, हिंदी लैंग्वेज में थी। तो 50% हिंदी लैंग्वेज में थी, तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल का 50% कितना आएगा, 50 मैं लिख रहा हूं एक एक पॉइंट ताकि आपको क्लियर हो जाए। बची कितनी बुक्स, तो आप कहेंगे कि हिंदी वाली 50% टोटल का निकाल दें तो बचेंगी 50। उसके बाद बोला गया कि जो बची हुई थी उसके 20% अंग्रेजी की बुक थी, तो जो बची हुई थी उसका 20% मतलब 50 जो है ना उसका, इसका 20% बोला गया कि वो इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक थी। तो इंग्लिश वाली बुक कितनी होगी, तो आप कैलकुलेट कर लो ना कि जो बचा था उसका 20% तो कितना आएगा, तो आपको पता है 10, तो आप बताइए 10 और निकल गया तो अब कितना बचा, तो आप कहेंगे कि अब 40 बचा, इंग्लिश वाली बुक भी हटा दिया, तो अगर आप टोटल 100 मानते हैं तो 40 यूनिट बचा, जो बुक की संख्या थी 40 बची मानने के अकॉर्डिंग, तो 40 यूनिट बोल रहा हूं। तो अब आप आगे आइए, और उसके बाद बोला गया कि जो बची हुई थी उसका 15% फ्रेंच में बुक थी, फ्रेंच लैंग्वेज में बुक थी, तो अगर आप बोल रहे हैं कि 40 बची हैं इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके, तो इसका 15% जो थी फ्रेंच बुक, फ्रेंच लैंग्वेज में बुक थी, तो बताइए इसका फ्रेंच जो 15% कैलकुलेट करेंगे तो 15% कितना आएगा, तो 40 का 15% आएगा 6, तो यानी अब कितनी बची, तो आप कहेंगे कि अब बची 36, अगर आप 36 नहीं 34, 34 बची, अगर आप इसमें से माइनस कर दे 6 तो बचेगा 34। अब उसके बाद बोला गया, अब कोई और अलग बुक नहीं दे करके बोला गया कि अब जो बची हुई थी 2380 बुक्स वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में थी, तो बची हुई अब कितना थी, अगर इतना हटा दिया तो 34 यूनिट, अगर 100 यूनिट टोटल बुक्स की संख्या मानते हैं तो 34 यूनिट बची थी, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है 2380 बुक बची थी, तो आप कहेंगे कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि 2380 बुक्स अगर एक्चुअल में बची हैं और हमारे मानने के अकॉर्डिंग 34 यूनिट बुक्स बची हैं, तो हमारा माना हुआ एक यूनिट कितना होगा, 2380 डिवाइडेड बाई 34 इक्वल टू कितनी बुक्स आएंगी, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, कितना आ रहा है, तो आप 17 से डिवाइड करें दो बार, 17 से एक बार आपका गया तो आपका 40 यानी आपका आ रहा है 70, देख लेना आपका कैलकुलेशन जो भी आ रहा हो, मेरा तो कैलकुलेशन 70 आ रहा है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, 17 से दो बार 17 आपका बचा 6,
ठीक है 140 मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी की बुक्स के बराबर आ गई, हमारा माना हुआ एक यूनिट जो बुक है वो एक्चुअल में 70 बुक्स के बराबर है, तो बोला गया कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी जो कि 100 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 70 बुक्स के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 70 × 100 इज इक्वल टू 7000 बुक्स के बराबर आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उस लाइब्रेरी में कुल मिलाकर के 7000 किताबें थी और जो भी आपकी अलग अलग लैंग्वेज में थी, तो टोटल 7000 किताबें थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, देखिए आप ध्यान से समझते जाओ और आपका आंसर निकलता जाएगा। मैं अगर एक्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन कभी एक एक्स के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं कभी नहीं बता रहा हूं, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट आप कर देना, मैं उसका आंसर जरूर बता दूंगा किसी अन्य वीडियो में। बट आप समझते चलो, मेरे को अगर करना होता ना तो मैं रेशियो लिख करके भी कर दूंगा, क्योंकि वो मैं पार्ट सिखा चुका हूं, तो हर जगह एक ही क्वेश्चन में तीन तीन टाइप नहीं बताऊंगा, क्योंकि थ्री थ्री टाइप बताने से क्या होता है कि ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बस दो तरीके सीखो, एक तरीका 100 के अकॉर्डिंग, दूसरा आपका जो फॉर्मूला कभी बता रहा हूं कभी नहीं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये पार्ट हम लोग सीख चुके हैं और ये जो फॉर्मूला होता है उसी को रेशियो में लिखने का तरीका हम लोगों ने सीखा था, मैंने आपको सिखाया था जो कि एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था प्रूफ करके लेंथ और ब्रेथ एरिया निकालते वक्त, अगर आपको याद होगा तो उस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था एक एक पॉइंट। तो अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन है रमेश स्पेंट 40% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड एंड 16.67% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ्स, आफ्टर दैट हिज सेविंग इज रुपीज 67,500, देन फाइंड हिज एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ्स। हिंदी में क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि रमेश अपनी कुल आय का 40% घर के किराए पर खर्च करता है, सेज का 10% खाने पर खर्च करता है और उसके बाद बचे हुए का 16/2/3% जो कि फ्रैक्शन में ना लिख करके मैंने पॉइंट में लिखा है, और उसके बाद बचे हुए का 16/2/3% कपड़े पर खर्च करता है और अब उसके पास जो बचा अमाउंट है वो 67,500 रुपए है, तो बताओ उसका कपड़े पर खर्चा कितना था, तो बताओ उसका कपड़े पर खर्चा कितना था। तो आप देखो कि कैसे आपको क्वेश्चन को करना है, जो आपको मैं बता रहा हूं एक्स मानने के अकॉर्डिंग, तो आप एक्स मानने के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आपका 100 के अकॉर्डिंग सुटेबल चल रहा है काम, तो क्यों एक्स के मानने के अकॉर्डिंग जाएं, क्योंकि जब एक्स मानते हैं तब भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 के अकॉर्डिंग ही आप बातों को जो भी आपका पॉइंट है उसको सोचते हैं। तो जैसे देखिए कि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि रमेश की इनकम की बात की जा रही है, तो फिर से इनकम रमेश की कितना माना, हमने कहा कि इनकम रमेश की कितनी थी, 100 थी, तो पहले तो वो अपनी इनकम का घर के किराए पर खर्च करता है, तो बताइए अगर उसका 100 इनकम है और उसका हाउस रेंट पर जाता कितना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउस रेंट पर वो खर्च करता है 40%, तो बताइए 100 का 40% कितना आएगा, तो आपको पता ही है कि 40 आएगा, तो अब कितना बचा उसके पास, अगर 40 चला गया तो आप कहेंगे कि 60 बचा, क्योंकि 100 में से 40 निकाल देंगे तो 60 ही बचता है। अब आपसे बोला गया यह है कि अब उसका जो बचा था उस बचे हुए का 10% खाने पर खर्च किया, बचा कितना था 60, अब 60 का 10% खाने पर खर्च किया तो इसका 10% कितना आएगा, तो इसका 10% कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा कितना, तो आप कहेंगे कि 10% कैलकुलेट करेंगे 6 आएगा, अब कितना बचा अगर उसने खाने पर खर्च कर दिया तो बचा कितना 54। अब आप देखिए कि आगे बोला गया कि जब उसने खाने पर खर्च कर दिया था उसके बाद जो बचा हुआ था, उसके बाद खाने पर खर्च के बाद जो बचा हुआ था उस बचे हुए का 16.67%, मैंने आपको बताया कि 16.67% ऐसे भी लिखा जाता है ऐसे भी, दोनों तरीके से लिखा जाता है, और ये वैल्यू होती कितनी है तो आपको मैं बता चुका हूं और पढ़ा चुका हूं पहले की क्लास में जो कि पहले वीडियो बनाई है कि ये हमेशा 1/6 होता है, प्रूफ भी किया था कैसे, तो 1/6 पार्ट, तो बोला गया कि अब जब खाने पर खर्च कर दिया उसके बाद जो बचा हुआ था उसका इतना मतलब 1/6 खर्च किया है कपड़े पे, तो बताइए अगर हम देखें कि इसका 1/6 मतलब किसका, जो बचा था बचा कितना था 54, और 54 का अगर 1/6 निकालते हैं तो कपड़े पर खर्चा कितना आता है, तो आप कहेंगे कि रेशियो डिवाइड करके देखते हैं तो 9 यूनिट आपका आ रहा है कपड़े पे खर्चा, 54 को 6 से डिवाइड करके देखो 9 यूनिट आएगा।
अब कितना बचा आप देख सकते हैं कि अब आप 54 में से 9 माइनस करें तो अब उसके पास बचा कितना 45। देखो क्या अब आपको इसके बाद कोई खर्चा दिया गया? नहीं दिया गया। बोला गया कि अब जब उसने कपड़े पर भी खर्च कर दिया बचे हुए का 1/6 भाग, तो उसके बाद उसके पास कितना बचा था? हमारे अकॉर्डिंग तो 45 यूनिट बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा हुआ बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है 67,500। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आ रहा है 100 मानने के अकॉर्डिंग 45 बच रहा है, वो एक्चुअल में 67,500 रुपए है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो हमारा माना हुआ 45 रेशियो है वो 67,500 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 45 से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा कितना आ रहा है, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूं। 15 से 3 बार गया और 15 से 4 5 0 0 मतलब आपका आ कितना रहा है, तो आप कहेंगे कि 1500 आ रहा है, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 1500 रुपए आ रहा है। तो हमारा माना हुआ एक रेशियो का वैल्यू एक्चुअल में 1500 रुपए है, तो बताना यह है कि उसने कपड़े पर कितना खर्च किया था। तो हमारे मानने के अकॉर्डिंग कितना खर्च किया था कपड़े पर? 9 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बताना है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट खर्च किया था, तो हमें पता चल चुका है कि हमारा माना हुआ अगर एक रेशियो 1500 रुपए के बराबर है, तो हमारा माना हुआ 9 रेशियो कितने के बराबर होगा? 1500 × 9 = 15 का टेबल आता होगा, तो 13,500 रुपए। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए कि बताइए उसने कपड़े पर कितना खर्च किया था, तो मैं कह सकता हूं 13,500 रुपए खर्च किया था। ये मैं थोड़ा सा लिख लिख के दिखाता हूं ताकि आप अपने दिमाग को चला सकें। आप अच्छे से दिमाग को चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आपको वो तरीका भी बता सकता हूं, और बताना चाहिए मुझे, और मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो अगली क्लास में कर लेंगे। तो मैं इसको अगर यहां से बताऊं कि 40% को क्या लिखते हैं, तो आपको पता ही है कि 40% को लिखा जाएगा 40/100 जो कि 2/5 आएगा। 10% को क्या लिखते हैं, तो आपको पता है 10% को लिखते हैं 1/10। और अगर आप देखो कि 16.67% को क्या लिखते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं लिखता जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 1/6 ये खर्चे हैं, मतलब माइनस करके निकालना है। तो अगर आप इसको देखो कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि टोटल उसकी इनकम कितना थी, तो इनकम उसकी मान के चलें कि टोटल उसकी इनकम थी एक्स रुपए। अगर टोटल इनकम उसकी एक्स रुपए थी, किसकी? रमेश की। अब यहां पर हमें बोलना कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, रमेश की इनकम जो कि लिखा गया है। तो रमेश की इनकम अगर टोटल एक्स रुपए थी, तो बताइए अगर उसका इनकम एक्स रुपए है और उसने खर्च किया पहले 40% मतलब 2/5 भाग, अगर 2/5 भाग खर्च किया मतलब 5 से 2 निकल गया, तो बचा कितना भाग? 3/5 भाग बचा। जो टोटल इनकम था उसका 3/5 भाग बचा है खर्चा निकालने के बाद। किस पर खर्चा निकालने के बाद? हाउस रेंट। अब बोला गया कि जो बचा था, जो बचा है, ये जो वैल्यू है इसका 1/10 भाग खर्च किया, 10 में से 1 भाग और खर्च कर लिया, तो इसका कितना बचा? 9/10 भाग बचा। इसके बाद फिर बोला गया कि जब ये खर्चा और निकल गया, तो अब जो बचा, अब तो बचा कितना? इतना। अब जो बचा उसका 1/6 भाग और खर्च कर दिया, मतलब 6 से 1 भाग और खर्च हो गया, तो कितना? 6 में से 5 बचा, यानी 5/6 बचा। और ये वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है? तो आपको दी गई है 67,500 रुपए। 67,500 रुपए। तो देखो आपको क्या कहानी है, पूरी लंबी कहानी जो मैंने आपको यहां पर बताया है, सिखाया है। थोड़ा सा अगर लॉजिक चलाएंगे, अगर सचमुच में अगर अपने दिमाग को चलाते हैं तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं चलाते तो कोई बात ही नहीं है। अब देखिए कि अगर आपको अगर यहां से कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू आएगी। अब x की वैल्यू आएगी तो आपको तो पूछा ही नहीं गया कि उसकी इनकम कितनी है, तो पूरा x की वैल्यू निकालने की जगह इस क्वेश्चन में एक लॉजिक चला सकते हैं। लॉजिक ये है कि बोला गया है कि उसने अपना जो खाने पर खर्च किया तो था, लेकिन उसने कपड़े पर कितना खर्च किया था? तो कपड़े पर खर्च किया था किसका? जो ये वाला पार्ट था, आप देखो कि पहले 2/5 भाग खर्च कर दिया, 1/10 भाग खर्च कर दिया, तो ये आपका बचा था। ये दोनों पार्ट निकालने के बाद कितना बचा था? तो ये बचा था ये वाला पार्ट। तो अगर आप ये दोनों निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद बचा कितना था इसको हटाने के बाद, तो बचा था ये। और अगर इसका बोला गया कि 1/6 पार्ट उसने खर्च किया है कहां पर? कपड़े पर। और वही कपड़े का खर्चा पूछा गया है, यानी आपको कह तो यही सकते हो ना कि x का 3/5, सोचने के लिए मैं पूरा लिख रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिखेंगे। तो ये जो बचा है इसका जो पार्ट है वो 5/6 बचाया था, लेकिन खर्च कितना किया था कपड़े पर? तो कपड़े पर खर्च किया था इसका 1/6।
थोड़ा सा लॉजिक से अगर आप समझो कि आप बताओ कि इस वैल्यू का 5/6 भाग अगर इतना है तो इस वैल्यू का 1/6 भाग कितना होगा। अगर आप ठीक ढंग से समझ पाए तो आप कहेंगे कि इस वैल्यू का 5/6 भाग इतना है तो इस वैल्यू का ही अगर 1/6 भाग निकालें तो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं 5/6 भाग का मतलब होता है इसको टोटल 6 भाग में डिवाइड करो तो 5 भाग ये है, और अगर आप देखो कि इसी वैल्यू को 6 भाग में डिवाइड करने के बाद 1 भाग निकालना है तो 5 भाग की वैल्यू अगर 67,500 है तो 1 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 5 से डिवाइड कर देंगे। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक ढंग से अगर आप समझे, बहुत दिमाग लगा के समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे कि पहले तो उसने खर्च किराए पर खर्च किया तो उसको किराए पर खर्च करने के बाद बचा कितना 3/5, अब उसके बाद जो बचा था उसका 1/10 भाग और खर्च कर दिया खाने पर तो बचा कितना 9/10, अब जो बचा था उसका 5/6 भाग बचा था क्योंकि 1/6 भाग खर्च किया था कपड़े पर, तो जो बचा था उसका 1/6 भाग कपड़े पर खर्च किया था वही आपको क्वेश्चन मार्क था। इस वैल्यू का 1/6 भाग निकालते तो क्वेश्चन मार्क का आंसर निकल जाता क्योंकि कपड़े पर कितना खर्च किया था ये पूछा गया था, जो कि 1/6 है बचे हुए का इन दोनों खर्चे के बाद, तो इसका 1/6 निकालेंगे वो आपका आंसर होगा। तो अब देखो कि अगर इस बचे हुए का उसने 1/6 भाग खर्च किया था तो बचाया कितना था 5/6 भाग, जो कि आपका आ रहा था कैलकुलेट करने पर 67,500। तो इस वैल्यू का 5/6 भाग अगर 67,500 रुपए है तो इसी वैल्यू का अगर 1/6 भाग निकालेंगे तो आप देखिए कि सेम वैल्यू है, यहां 5/6 है यहां 1/6 है, मतलब इस वैल्यू को 6 भाग में डिवाइड करो तो ये 5 भाग है और अगर इसी वैल्यू को 6 भाग में डिवाइड करो तो 1 भाग है, यानी इस वैल्यू का 5 भाग अगर इतने के बराबर है तो इस वैल्यू का 1 भाग कितने के बराबर होगा। तो इसका 5 भाग अगर इतने के बराबर है तो 1 भाग मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, तो जो कि आ रहा था 13,500 रुपए और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सोचने का थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे तो थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही करेंगे और आपको उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा जो पॉइंट्स जो मैंने आज की क्लास में बताया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक।